Hello, so the question is a block of mass 2 kg is placed on long frictionless horizontal table is pulled horizontally by a constant force F. It is found it to move 10 meter in the first 2 seconds. Find the magnitude of F. So इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है, जो ब्लॉक है उसका मास कितना है यहाँ पर, ब्लॉक का मास है 2 kg और ब्लॉक पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या होता है F/m, वो भी क्या होगा कांस्टेंट। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम सारे अपने फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो इट इज़ फाउंड टू मूव 10 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, तो पहले 2 सेकेंड में वो 2 सेकेंड्स मूव करता है, तो डिस्टेंस कितनी मूव कर रहा है 10 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है 2 सेकेंड्स, और इनिशियली स्पीड कितनी होगी उसकी 0। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वैलिड है, वो है ut + ½ a × t²। तो यहाँ पर डेटा हम पुट कर देंगे, 10 = इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम 2 सेकेंड है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अननोन है × 2² तो यहाँ से एक की वैल्यू आ गई 5। एक की वैल्यू 5 आते ही हम फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। मास क्वेश्चन में आपको 2 kg दिया हुआ है इंटू एक्सेलरेशन 5, तो 10 न्यूटन जो है वो हमारा फोर्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा F = 10 न्यूटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।